कंट्रोवर्सीज के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हुए सतर्क, किसी भी सीरीज को रिलीज करने से पहले अब गहन जांच हो रही है, कई बार स्क्रीनिंग की जा रही है, चेंजेस है तो करवाए जा रहे हैं और उसके बाद ही प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की जा रही है। ऐसे में एक सीरीज जिसका पहला वर्जन बहुत ही हिट रहा, जिसका सेकेंड पार्ट शूट तो लास्ट ईयर ही हो गया था, लेकिन हैवी वीएफएक्स के चलते रिलीज थोड़ा लेट होने जा रहा है, ये सीरीज जो बनकर तैयार है उसमें अब बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। मनोज बाजपेयी की फैमिली मैन का पार्ट टू जो है, जो कि जल्द रिलीज होने वाला था, अब उसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। इसके पीछे का कारण है चेंजेस जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने प्रोड्यूसर को दिए हैं कि ये चेंजेस करवाओगे तभी हम हमारे प्लेटफॉर्म पर इस सीरीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे। अमेज़ॉन इस सीरीज़ को रिलीज़ करने जा रहा है और अमेज़ॉन की तांडव पर ऑलरेडी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में फैमिली मैन 2 को लेकर अमेज़ॉन काफ़ी सतर्क रहने की कोशिश कर रहा है। फैमिली मैन 2 सीरीज़ को उन्होंने अपने टीम के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिखाया और उन्हें अपनी राय रखने को कहा कि कहीं इस पूरी सीरीज से किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। ऐसे में सभी टीम से फीडबैक आया और अब प्रोड्यूसर को पूरी सीरीज में 12 चेंजेस करने को कहा गया है, यानी कि ये जो 12 सीन्स हैं इनको रीशूट किया जाएगा, इनके ऊपर फिर वीएफएक्स का काम किया जाएगा और उसके बाद ही ये बनकर तैयार होगी। इसीलिए फैमिली मैन 2 सीरीज की रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी है। आपको बता दें कि इसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल में नजर आएंगे, जो कि एक स्पाई का काम करते हैं, और इस सीरीज में समांथा अक्किनेनी भी एक अहम किरदार करते नजर आएगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की भी नज़र है और गाइडलाइंस इश्यू हो चुकी है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपनी जो फिल्में हैं वो पहले चेक करवानी पड़ेगी, रजिस्टर करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर पाएंगे। पिछले कई समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के नाम पर कभी अश्लील कंटेंट परोसा जाता है, कभी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट कंटेंट परोसा जाता है, तो कभी कितनी ही गाइडलाइंस को तोड़ा जाता है और कई धर्मों को आहत पहुंची है। इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अब सेंसर लाने की तैयारी हो चुकी है।